हेलो दोस्तों, फिर से आज आप सबके बीच में हम एक बेहतर वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें आपको आज हम बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने उस वीडियो में जो पहले वाले वीडियो थे उसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान तथा एकवचन बहुवचन बताया था। तो आज हम उसमें उससे आगे आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं या बनाने के जो नियम होते हैं उसके बारे में, एक कि उसमें क्या क्या होता है, मतलब कि कैसे टेंस को डिनोट या बनाया जाता है। ठीक, तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो पर या चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की हर रोज की वीडियो का नए नए नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने टेंस के बारे में बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, और टेंस पर सबसे पहले उसमें होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चार प्रकार के होते हैं जिसको हमने बताया आपको, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। हर रोज का एक 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 टेंस हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि वीडियो रोजाना देखिएगा और आप अपने कोर्स को भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम मेकिंग रूल। मेकिंग रूल, ठीक, इसके बनाने के जो नियम होते हैं, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के जो नियम होते हैं, तो यहाँ एक वचन वाला, एक वचन सिंगुलर नंबर। ठीक, सिंगुलर नंबर की अगर हम बात करें, एक वचन हमने बताया कि एक वचन भी किसे कहते हैं, उसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो एक वचन के लिए यदि हम मेकिंग रूल का बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वी वन मतलब क्रिया का प्रथम अवस्था प्लस में यस या ईएस, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। यदि किसी में बहुवचन कह दिया जाए तो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। बहुवचन की यदि बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस बी वन में यस या ईएस किसी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, किसी को हटा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस ईटी। ठीक, अब आज एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे सीता खाना बनाती, सीता खाना बनाती है, तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे निर्धारित करेंगे, यहाँ लास्ट में जाइए कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, कौन पर क्या आएगा आपका, यहाँ कर्म है, कर्ता आएगा, क्या आएगा, कौन से आपका आएगा, कर्ता। तो कर्ता इसमें कौन है, कौन बना रहा है, तो सीता बना रही है सीता। तो हमने बताया जब एक नाम हो तो वहां एक वचन होता है, तो सीता, सीता के बाद क्या करेंगे, कर्म क्रिया, क्रिया सीता क्या कर रही है, सीता क्या क्रिया कर रही है, तो सीता क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो कुक, कुक माने बना रही है। अब सीता एक वचन है इसलिए क्रिया में क्या हो जाएगा, यस, क्रिया में क्या लगाएंगे हम, यस। तो सीता कुक, कुक मतलब बना रही है, क्या बना रही है, द फूड, भोजन बना रही है, फूड हो जाएगा। ठीक, अब यदि ये तो पहला रहा, अगर यदि हम बहुवचन में कहें तो मैं इस समय, मैं इस समय नाचता हूँ, मैं इस समय नाचता हूँ, बात करें अगर तो इसने कह रहा है मैं इस समय नाचता हूँ, तो आई क्या लगाएंगे, आई, कौन नाचता है लगाएंगे हम, जाने किसे, कौन नाचता है, तो मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ ना, तो मैं यहाँ कौन नाच रहा है, मैं क्या हो गया इसमें, कर्ता हो गया, तो आई मीन्स मैं। ठीक, अब आई नाचना डी के डम, तो यहाँ आई क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है इसलिए क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आई डन, मैं नाचता हूँ, कब नाचता हूँ, किस समय, एट द, एट दिस
इस समय है तो दिस हो जाएगा, दिस एट दिस टाइम। ये तो रहा आपका सिंपल, ये तो रहा आपका सिंपल। यदि हम किसी में बात करें निगेटिव की, तो यदि किसी में आपकी आपका बात करें कि अब निगेटिव आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका उसको देखिए। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द। यदि जैसे मैं कह दिया जाए कि मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा या मेकिंग रूल क्या होगा? एक मेकिंग रूल, उसका बनाने का जो नियम होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट में होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। ईटीसी का कहने का आपका अन। तो यहाँ डू या डज, वही तो क्रिया में यस या यस लगाया जाता था, वही आपको आ गया यहाँ क्या, डू या डज। अब डू हम कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, इसके बारे में हम बताते हैं। तो जैसे देखिए आए एग्जांपल की हम बात करें, आए एग्जांपल, तो पहला आपका है जैसे मैं मैदान, मैं मैदान में दौड़ता, मैं मैदान में नहीं दौड़ता। अपना निगेटिव अर्थ है ना, यहाँ हो जाएगा नहीं दौड़ता, मैं मैदान में नहीं दौड़ता हूँ। दूसरे की अगर बात करें तो मोहन, मोहन बाजार नहीं जाता, मोहन बाजार नहीं जाता है, ठीक। तो मोहन बाजार नहीं जाता है, अब मैं मैदान में नहीं दौड़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हमने बताया कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पर जाके लगाइए क्या, कौन दौड़ता है, मैं दौड़ता हूँ, मैं ना मैं दौड़ता हूँ। दू या डर किसके अनुसार लगा रहे हैं, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता यहाँ क्या है, कर्ता है मैं। तो यहाँ अब आई के साथ हमें लगाना है डू, जब बहुवचन होगा उस समय आपको लगाना है डू, अगर एक वचन होगा तो उसके साथ लगाना है आपको डज। अब नॉट, नॉट को सबके साथ में, यदि निगेटिव सेंटेंस यहाँ निगेटिव नहीं की बात किया जाए तो यहाँ नॉट प्लस वर्ब मतलब क्रिया, मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ ना, तो रन, रन मीन्स दौड़ना, आर यू रन मीन्स दौड़ना, दौड़ रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड मैदान में दौड़ रहा हूँ। अब क्या कह रहा, दूसरा वाला कह रहा है मोहन बाजार नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन, मोहन बाजार नहीं, कौन नहीं जाता है, तो मोहन नहीं जाता है, मोहन। अब मोहन एक वचन है कि बहुवचन है, तो मोहन यहाँ क्या है, मोहन एक वचन है, इसके साथ लगाएंगे डज नॉट, मोहन डज नॉट, मोहन नहीं जाता है, मोहन नहीं, क्या नहीं, वो माने जाता है, वो माने जाता है, कहाँ नहीं जाता है, बाजार से जुड़ने से टू द मार्केट। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से जुड़ता है उस समय यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग कर भी सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा। तो ठीक इसी में इंट्रोगेटिव आपको हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस प्रश्नवाचक वाक्य को कहने का अर्थ जिसका हम हाँ या ना में जवाब दें उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, तो इसमें मेकिंग रूल, यदि हम स्ट्रक्चर या मेकिंग रूल की बात करें तो इसका हो जाएगा मेकिंग रूल डू या डज। डू या डज, यही डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्रिया का प्रथम अवस्था ही लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो पहला जैसे कि आपसे क्या तुम नदी में स्नान करते हो, नदी में स्नान करते हो, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम नदी में स्नान करते हो, यदि करते हो तो आप क्या कहोगे हाँ, यदि नहीं करते हो तो क्या कहोगे नहीं। ठीक, तो इसी में क्या हो जाएगा आपका कि डू या डज किसके अनुसार लगाना है, कर्ता के अनुसार लगाना है। तो अब हम जाएंगे किसी की कौन स्नान करता है, यह हो जाएगा तुम स्नान करते हो, तुम स्नान करते हो तो तुम आ गया, तो तुम के साथ में हमें क्या लगाना है डू। तुम क्या है बहुवचन है, इसीलिए यहाँ डू लगाएंगे प्लस वर्ब का फैसला, मतलब अब तुम क्या कर रहे हो स्नान कर रहे हो, वॉक माने स्नान करना। ठीक, वॉक माने स्नान करना। ठीक, अब देखिए कि क्रिया हो गई, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, तो तुम कहाँ स्नान कर रहे हो नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। अब बाद में कुछ नहीं बचा है तो आप क्या लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे क्या सीता इस बगीचे में अब आपको हम थोड़ा लॉन्ग बता देते हैं कि अगर लंबा हो तो कैसे बनाया जाए। क्या सीता इस बगीचे में एक फूल तोड़ती है, क्या सीता इस बगीचे में इस समय एक फूल तोड़ती है, यदि तोड़ती होगी तो क्या कहेगी हाँ, यदि नहीं तोड़ती है तो क्या कहेगी नहीं तोड़ती है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि यदि जब आप हाँ या ना में जवाब दें उसी को क्या कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक, तो यहाँ प्रश्न अब बात आता है कि कौन तोड़ता है, तो सीता कौन तोड़ता है, सीता, सीता एक वचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे दू डस लगाएंगे, क्या लगाएंगे डस। सीता, सीता क्या कर रही है तोड़ रही है, सी एन यू सी के प्लस प्लग माने तोड़ती है, तोड़ना क्या तोड़ती है एक फूल तोड़ती है, एक फ्लावर एक फूल तोड़ती है। अब क्या तोड़ती है कैसे तोड़ती है नहीं है, क्या कहाँ तोड़ती है तो बगीचे में, इन द गार्डन, किस बगीचे में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन दिस गार्डन हो जाएगा। अब कब तोड़ती है किस समय, एट दिस टाइम हो जाएगा। अब यदि इसी में निगेटिव की हम बात करें, निगेटिव तो कैसे बनेगा, ये इसी में आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें कहे कि आपको जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए नेगेटिव रूल जो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन मतलब क्रिया का प्रथम अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए अब यदि बात करें इसमें क्या मधु एक गीत
नहीं गाती है। क्या मधु एक गीत नहीं गाती है, तो ठीक यहाँ निगेटिव सेंटेंस आ गया है ना, तो क्या था, क्या के लिए हम सहायक क्रिया पद लिखेंगे, तो किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ क्या है, मधु है, मधु मधु एक वचन है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज मधु, डज या फिर डज मधु। अब मधु क्या कर रही है, गा रही है, तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो पहले नॉट लगाएंगे, नॉट डज मधु नॉट, डज मधु नॉट, गाती है ना, तो गाती है, तो मधु क्या कर रही है, गा रही है, सिंग में से गाना होता है, सिंग गा रही है, क्या गा रही है, ए सॉन्ग, एक गीत गा रही है, ए सॉन्ग, बाद में क्या लगा सकते हैं आप, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अगर दूसरा हम यही बात करें, क्या वे मैदान, क्या वे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, बाद में पूछते मार्क, क्या वे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, तो क्या के लिए, वे के लिए क्या लगाएंगे, दे, दे में वे होता है, दे मतलब कि वे बहुत लोग हैं, बहुवचन है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू, डू दे नॉट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद क्रिया, वे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, दौड़ रहे हैं, ठीक, तो कहाँ दौड़ रहे हैं, मैदान में, इन द इन द फील्ड हो जाएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी में आपको एक और आता है डब्ल्यू एच वाला शब्द, और उसमें डब्ल्यू एच में निगेटिव सेंटेंस, नंबर पे आपको डब्ल्यू एच वाले शब्द, डब्ल्यू एच वाले शब्द क्या क्या होता है, तो जैसे व्हाट, व्हाट, व्हाट माने क्या, व्हेन, हू, ऐसे ही कुछ डब्ल्यू एच वाले शब्द आते हैं, तो जैसे मेकिंग रूल, इसका मेकिंग रूल क्या होगा, देखिए जैसे मेकिंग रूल, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू एच वाले शब्द, अब डब्ल्यू एच वाले शब्द में यही व्हाट, व्हेन, वेयर, यही सब डब्ल्यू एच वाले शब्द प्लस सब्जेक्ट, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस टीटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो जब डब्ल्यू एच वाले शब्द हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए क्या लगा जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो पहला यदि हम बात करें पहले की, तो जैसे मैं राधा को खड़ी से, एक खड़ी से पीटता, खड़ी से क्यों पीटता हूं, क्यों पीटता हूं, इसमें यदि किसी वस्तु का रीजन या कारण बताया जाता है, तो आप कोई कारण होगा तभी तो पीटा जा रहा है, तो मैं राधा को एक खड़ी से क्यों पीटता हूं, ठीक, पीटता हूं, तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वाले शब्द ही लिखना है, तो क्यों पीटता हूं, वाई में क्या हो जाएगा, क्यों, वाई। अब देखिए कि यहाँ डू या डज किसके अनुसार लगाना है, कर्ता के अनुसार, तो कर्ता हमने बताया आपको कि कहाँ से मिलेगा, लास्ट में आ जाइए, क्या लगाइए, कौन, कौन पीटता है, तो मैं पीटता हूँ, तो मैं के साथ में आप, मैं बहुवचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू, यहाँ क्या हो जाएगा, डू, वाई डू आई। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर क्रिया, मैं क्या कर रहा हूँ, पीट रहा हूँ ना, बीट मीन्स क्या हो जाएगा, पीट रहा हूँ, पीटता हूँ, किसको पीटता हूँ, किसको पीटता हूँ, राधा को, राधा को पीटता हूँ, कैसे पीटता हूँ, ए स्टिक, एक छड़ी से है, ए स्टिक, ए स्टिक हो जाएगा, बाद में जब कुछ नहीं होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब यदि हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जब ना नहीं शब्द है, डब्ल्यू एच वाले शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इसी के बाद, जहाँ
सब्जेक्ट के बाद नाक लगाएंगे, नाक के बाद क्रिया, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए उसका एक उदाहरण, जैसे सीता सहेलियों के साथ, सहेलियों के साथ स्कूल, सहेलियों के साथ स्कूल क्यों नहीं जाती जाती। देखिए सीता सहेलियों के साथ स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो ठीक। तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वाले ही शब्द लिखना है, तो डब्ल्यू एच वाले शब्द वाई। अब वाई के बाद डू या डज किसके अनुसार लगाना है, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता इसमें कौन है, सीता है, तो सीता एक वचन है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज, डज सीता। अब नहीं शब्द है ना, तो हमने बताया क्रिया के बाद आपको क्या लगाना है, नाट, क्रिया के कर्ता के बाद नाट लगाना है, यहाँ ठीक। कर्ता के बाद हमने नाट लगाया, नाट प्लस अब क्रिया, क्रिया सीता क्या कर रही है, जा रही है, तो वो हमें जाना होता है, कैसे जा रही है, अपनी सहेलियों के साथ। तो सहेली यहाँ किसकी है, सीता की है, तो यहाँ हो जाएगा बीच हर विद हर फ्रेंड। अब सहेलियां है ना, यहाँ फ्रेंड हो जाएगा, फ्रेंड अपनी ढेर सहेलियों के साथ जा रही है, विद हर फ्रेंड कहाँ जा रही है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।